प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड मोर एजुकेशनल वीडियोज़ बिस्मिल्ल हरहन रहीम रबी शरहली सदरी वसरलीमरी वाहलदतमिलसानी यफकहू कोली आमीन सुमाम डियर फ्रेंड्स असलकुम आई होप यू आर फाइन यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टॉक्स विद अब्बास डियर फ्रेंड्स इस चैनल में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग की इंटरव्यूज़ और प्रैक्टिकल वर्क लैब वर्क और जो है सी केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ अब मैंने एक नई प्ले का आगाज़ किया है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज़ दर्चुअली हार्ट ऑफ एवरी केमिकल प्रोसेस ये जो केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एक हार्ट की हैसियत रखती है और जो इंजीनियर है केमिकल इंजीनियर उसको जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग अच्छे तरीके से कन्सेपचुअली और जो आपको रिएक्टर को डिज़ाइन करना भी आना चाहिए इसके लिए ये जो आप ये प्ले लिस्ट है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं लेक्चर वन लेक्चर टू में मैंने जो है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की बात की है केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं ये उसकी कितनी ये उसकी जो हाउ मैनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें मैंने काफ़ी बात की है और टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो आप ये पहली वीडियोस लाजमी देख लीजिए अगर आप इसमें जो है डीपली कॉन्सेप्ट हासिल करना चाहते हैं आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कॉन्टेंट्स ऑफ दिस लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन टू रिएक्टर रिएक्टर होता क्या है इसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्री में क्या है और ये जो है इसकी हम टाइप्स ऑफ रिएक्टर देखेंगे कि बैच रिएक्टर क्या होता है सेमी बैच क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस और इसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और इसमें जो है डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस देखेंगे एप्लीकेशंस के हवाले से मतलब हर तरह से हम जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यू में कौन से पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे अगर आप तो ये आप इंटरेस्टेड हैं तो इंशाल्लाह ये फुल वीडियो देखें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी सबसे पहले बाद में करूँगा रिएक्टर बेसिकली होता क्या है रिएक्टर इज़ दी हार्ट ऑफ एवरी केमिकल प्रोसेस आप देखिए कि अब इसमें एक हमारे पास रिएक्टर है हम इसमें क्या करते हैं हम कोई दो सब्सटेंसेस हमने लिए हैं उसको हमने रिएक्ट करवाना है ठीक है अब जो इक्विपमेंट में जिसमें हम करवाते हैं उसे हम रिएक्टर बोलते हैं अब वेसल डिज़ाइन टू कंटेन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड अ रिएक्टर so industrial reactor is a complex chemical device in which heat transfer mass transfer diffusion may occur along with chemical with provisions of safety and con and control so all chemical process are centered in a chemical reactor so the design of chemical reactor is one of the most important factor इन डिटर्मिनंग दी ओवरऑल प्रोसेस इकोनॉमिक्स मीन टू से हमने जो हम ऐसा रिएक्टर डिज़ाइन करें जो जो हमें कम कॉस्ट में जो है लो कॉस्ट में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे ऐसे हमने रिएक्टर डिज़ाइन करना है जो हमारी इंडस्ट्री को भी हमारा जो है फ़ायदा दिया जाए सो so, ये रिएक्टर जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर इंडस्ट्री में जो है रिएक्टर यूज़ होता है कोई भी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री है डो इंडस्ट्री है सीपीआई केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं तो रिएक्टर जो हैं हमें सीखना चाहिए इसकी टाइप्स क्या हैं इसमें रिएक्शन कैसे होता है हम इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं तो हमने पहले देखा कि रिएक्टर है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अब हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिएक्टर जो हमारा होता है वो बहुत कम्प्लेक्स इस वजह से केमिकल डिवाइस कहते हैं हम उसको क्योंकि उसमें एट अ टाइम हीट ट्रांसफ़र हो रही है मैस ट्रांसफ़र हो रही है डिफ्यून हो रही है केमिकल के साथ साथ और हमने इसमें सेफ़्टी भी देखनी होती है कि हमारी सेफ़्टी जो है और प्रोसेस इकनॉमिक्स हमारा इकोनॉमिकल प्रोसेस है या नहीं हमने ऐसा रिएक्टर डिज़ाइन करना है तो आपको समझ आ गई होगी रिएक्टर होता क्या है अब नेक्स्ट में बात करूँगा टाइप्स ऑफ रिएक्टर की अब हम रिएक्टर्स को हैं बेसिकली हम चार तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं पहला हमारा है मोड ऑफ ऑपरेशन अगर मैं मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करूं तो इसमें हमारे पास तीन इसकी जो है थ्री थ्री काइंड होंगी इसकी एक बैच टाइप कंटिन्यूस टाइप और सेमी बैच टाइप अगर मैं एंड यूज़ बेस क्लासिफिकेशन देखूँ कि हमारा एंड प्रोडक्ट होना क्या चाहिए बेसिकली तो इसमें हमें हमारे पास थ्री कारण्स आ जाएंगी पोलिमराइजेशन रिएक्शन बायोलॉजिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अगर मैं बात करूं फेस बेस क्लासीफिकेशन कि इसमें अगर मैं सिंगल फ़ेस चाहता हूँ कि मेरा जो रिएक्टन जो है लिक्विड फेस में है तो उसे सिंगल फ़ेस रिएक्शन बोलेंगे अगर मल्टीपल फेस में है मीन टू से हमारे पास गैस भी आ रही है लिक्विड भी हमारे पास हैं तो या हमारे पास सॉलिड भी है तो हम उसे बोलेंगे फेस बेस क्लासिफिकेशन अगर मैं बात करूँ कैटलिस बेस क्लासीफिकेशन की तो उसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लासिफिकेशन इसमें आएंगी ले हम इसको हर वीडियो में इसको हम तकरीबन इसकी चार जो हैं वीडियोस बन जाएंगी उसमें हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे लेकिन जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में सो इन दिस लेक्चर वी क्लासिफाइड रिएक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन अगर मैं रिएक्टर्स को मोड्स ऑफ ऑपरेशन पे डिवाइड करूं तो इसे मैं बैच टाइप सेमी बैच टाइप और कंटिन्यूस टाइप में इसको डिवाइड करूंगा अब जो कंटिन्यूस टाइप की आगे दो मजीद आ जाती हैं इसकी टाइप्स टैंक टाइप रिएक्टर और पाइप टाइप रिएक्टर जिसे हम सीएसटीआर कंटिन्यूस स्टिरिंग टाइप रिएक्टर भी से हम बोलते हैं तो रिएक्टर जो है इसकी हमने बेसिकली थ्री दे आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ रिएक्टर बैच टाइप सेमी बैच टाइप एंड अ कंटीन्यूअस टाइप रिएक्टर अब इसमें बैच रिएक्टर इसके हम पहले देखेंगे कि बैच रिएक्टर बेसिकली होता क्या है तो बैच रिएक्टेंस इज़ इंट्रोड्यूस इन टू रिएक्टर ऑपरेटेड एट डिज़ायर कंडीशन अनटिल द टारगेट कन्वर्जन इज रीच मीन टू से हमारे पास ये एक रिएक्टर है हमने ए प्लस बी इसमें ऐड किया है और इसको हमने एक साथ ही ऐड करना है और जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसे हम हमारा हम हम इसे प्रोडक्ट ले सकते हैं यहाँ से मीन टू से इसमें हमने रिएक्टन को एक दफ़ा ही इंट्रोड्यूस कर देना है रिएक्टर में और उसकी जो डिज़ायर कंडीशन होगी टेम्परेचर प्रेशर वग़ैरह वो हमने उसमें सेट कर लेना है तो हमें उसके बाद जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी हम इसको इस तरह भी जान सकते हैं कि टाइम के साथ इसकी इनपुट और आउटपुट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी मीन टू से हम एक दफ़ा इसको हम इनपुट करेंगे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसे आउटपुट करेंगे इसलिए हम इसे बोलते हैं बैच रिएक्टर तो प्रोडक्ट इन डिस्क्रीट टाइम इंटरवल हमें एक टाइम के बाद इसकी प्रोडक्ट मिलती है तो बेसिकली जो हमारे पास बैच रिएक्टर है वो हमारा इंडस्ट्री में इसका जो यूज है काफ़ी यूज़ इस्तेमाल इसका होता है तो बैच टाइप रिएक्टर जो हमारे होते हैं इन विच इसमें हमारे पास स्टीरिंग लगा होता है जो हमारे रिएक्टेंट को हम मिक्स करता है इसमें हम इसमें इंटरनल इम्पेलर यूज़ करते हैं गैस बबल यूज़ करते हैं आगे मैं बात करता हूँ आइडियल बैच रिएक्टर की आइडियल बैच रिएक्टर से मतलब इसका ये है कि यहाँ पर हमारी जो है आइडियलिटी होगी जीरो विस्कोसिटी होगी इसमें हमारी तो इसमें हम देखते हैं कि आइडियल बैच रिएक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है ये देखिए हमारे पास ये रिएक्टर है अब इसमें मैंने क्या किया रिएक्टर में अब मैंने इनपुट की है जब टाइम जीरो है ठीक है मैंने इसमें रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे स्टीन लगा हुआ है इम्पेलर जो रिएक्शन रहा है और एक टाइम के बाद जो इसे हमें एक आउटपुट मिली है रिएक्शन इज़ ओनली इनसाइड साइड रिएक्टर नोट पाइप इसे हम इसलिए आइडियल बोलते हैं आइडियल की ये भी कंडीशन होती है आप देख लें याद कर लें इसे रिएक्शन इज ओनली इनसाइड रिएक्टर नॉट अ पाइप मीन टू से reactor, हमने ए हमारे पास रिएक्टन हमने एक रिएक्टन ऐड किया है टाइम जीरो पे ठीक है अब उसको टाइम उसका जितनी कंसनट्रेशन हमने अचीव करनी है उतना हम टाइम देंगे टी टू अचीव डिज़ायर एक्स इसे मुराद यहाँ पे कंसनट्रेशन है मीन टू से हमने टाइम यहाँ पे फिफ्टीन आवर्स दिया है उसमें बेसिकली हो क्या रहा है हमारे पास जब टाइम जीरो था तो हमारे पास कंसटेशन सी ए ज़ीरो थी जब हमारे पास टी वन टाइम हुआ तो सी ए वन थी जब हमारे पास टी टू हुआ तो सी ए टू थी मीन टू से कंसनट्रेसन इज चेंजिंग विद टाइम सो कॉल्ड अनस्टडी प्रोसेस अनस्टडी प्रोसेस तो आप अनस्टडी प्रोसेस अगर आपको पूछा जाएगी क्यों होता है बैच री प्रोसेस तो आप कहेंगे कि टाइम के साथ कंसनट्रेशन चेंज हो रही है कंसनट्रेशन इज चेंजिंग विद टाइम सो कॉल्ड अनस्टडी प्रोसेस तो मैं अभी इसमें एक आपको मैंने और चीज़ बतानी है इसमें हम देखें अब एक आप चीज़ खुद सोचें कि यहाँ पे मालिक्यूल्स आर स्पेंडिंग सेम टाइम मीन टू से अब रिएक्टर में हमें टाइम जीरो है हमने रिएक्टन सारा हमने ऐड किया है अब वो हमारा रिएक्शन टाइम स्टार्ट हो गया है तो इसमें जब मालिक्यूल जो एवरी मालिक्यूल होंगे वो सेम टाइम स्पेंड करेंगे रिएक्टर में इसलिए हम इसे बोलते हैं आइडियल रिएक्टर अब ये आइडियल रिएक्टर की आपको तीन कंडीशन पता चली पहली कंडीशन रिएक्शन इज ओनली इनसाइड रिएक्टर नॉट पाइप Second condition, all molecules are spending same time. We call ideal reactor. Or third condition, concentration is changing with time. So called. ये तो अनस्टडी प्रोसेस है ना अनस्टडी प्रोसेस की कंडीशन थी दो कंडीशन हमने पता कर ली अब अगर हम एक इसमें काइनेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मीन टू से हमने यहाँ पे कंसनट्रेशन देखनी है अगर हमें एक से कंसनट्रेशन पता है तो हम यहाँ से आसानी से हम टाइम निकाल सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है ये कितने टाइम में हो सकता है हमें क्या कंसनट्रेशन चाहिए हमारी सी ए नोट क्या हो इनिशियल कंसनट्रेशन और हमारा अचीव जो हमने कंसटेशन करनी है एक्स से वो हमारे पास कितनी हो तो हमें टाइम हम लगा सकते हैं कि हमें 15 चाहिए, हमें चाहिए, चाहिए, तो ये आपको पता चल गया चल होगा कि आइडियल बैच रिएक्टर बेसिकली क्या होता है तो आपको मैंने काफी डिटेल से बता दिया आप यहां वीडियो पॉज कर सकते हैं पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट इसमें लिख सकते हैं आपको मैंने ये सारा बता दिया है कि बैच रिएक्टर होता क्या है अब हम बैच रिएक्टर को थोड़ा विजुलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक फ़िगर बनाई है बैच रिएक्टर की इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है बैच रिएक्टर अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है एक हमारे पास जो है हमारे पास पाइप है इसमें हम रिएक्टन वन ऐड कर रहे हैं दूसरे में रिएक्टन टू ऐड कर रहे हैं और इसमें हमारे कंट्रोल वाल लगे हुए हैं कि जो हमारे रिएक्श रिएक्टन को कंट्रोल करें हमें जितनी कंसेशन चाहिए उतनी हम ऐड करेंगे और स्टियर लगा हुआ है जिसमें हमारा रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है मिक्सअप हो रहा है तो एक टाइम के बाद हम हम टाइम ज़ीरो पे हम उसको ऐड करेंगे और एक टाइम के बाद जो हमें अचीव करनी हो कंसंट्रेशन उस टाइम के बाद हम प्रोडक्ट आउटलेट कर लेंगे और ये हम कहते हैं इसे बैच रिएक्टर अब इसमें जो बेसिकली इसमें हमने यहाँ पे आप देखेंगे कूलेंट क्यों यूज़ किया है तो टम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाई इंटरनल सच एज कोयल हम ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं जैकेट डिफ्लैक्स कंडेंसर पम्प अराउंड लूप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा जो टम्परेचर कैसे रेगुलेटेड हो जाए ठीक है इसलिए हम यहाँ पे कूलेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बैच रिएक्टर की काफ़ी समझ आ चुकी होगी और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अब नेक्स्ट बात करूँगा बैच रिएक्टर्स रिएक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस हैं मतलब हम किस पॉइंट पे हम यूज़ करेंगे तो बैच प्रोसेस आर सूटी टू स्मॉल प्रोडक्शन रेट जहाँ पे हमें प्रोडक्शन रेट कम चाहिए ठीक है जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम इस काफ़ी इस्तेमाल कर लेते हैं टू लॉन्ग केमिकल रिएक्शन रे, टाइम जो हमें काफ़ी हमें लॉन्ग चाहिए हमारा रिएक्शन जो टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो हम बैच रिएक्टर इस्तेमाल करेंगे टू अचीव डिज़ायर सेलेक्टिविटी अगर हमने अपना प्रोडक्ट जो है हमें प्योरी प्योरिफिकेशन हमें हंड्रेड परसेंट चाहिए तो हम इसे यूज़ करते हैं बैच रिएक्टर को फॉर ऑल फ्लैक्सीबिलिटी इन कम्पेयरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो इसकी इम्पॉर्टेंस थी बैच रिएक्टर की और एप्प्लीकेशन की बात करूँ तो इसकी दो एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक फर्मेंटेशन ऑफ बेवरेज प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है और दूसरा जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है अब मैं बात करूंगा सेकेंड जो हमारी टाइप थी कंटिन्यूस रिएक्टर कंटिन्यूस रिएक्टर क्या होता है अब इसमें नाम से ही वाजिया है कि हम इसमें रिएक्टन कंटिन्यूस ऐड करी जा रहे हैं और वहां से हमें प्रोडक्ट मिलती जा रही हैं सो रिएक्टेंट्स आर एडिड एंड प्रोडक्ट्स रिमूव कंटिन्यूसली एट अ कॉन्स्टेंट मैस फ्लो रेट सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो आप पॉइंट है एट कॉन्स्टेंट मैस फ्लो रेट पर हम इसे ऐड करें यहाँ पर टाइम के साथ साथ हमारी इनपुट और जो हमारी आउटपुट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है मीन टू से हमें एक हमें जो है कंटिन्यूस प्रोडक्शन मिल रही है यहाँ पर तो इसलिए कंटिन्यूस रिएक्टर जो है इसलिए हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं सो लार्ज जेल प्रोडक्शन है so इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन तो इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पे कंटिन्यूस रिएक्टर जो है हमारे पास कंटिन्यूस इसकी प्रोडक्शन हमें मिलती है और रिएक्टर को हम ऐड करते हैं वहाँ से रिमूव कर देते हैं कंटिन्यूसली एट अ कॉन्सटेंट मैश फ्लो रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एट कॉन्स्टेंट मैश फ्लो रेट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आइडियल कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर के आगे टू टाइप्स हैं एक आइडियल एम एफ आर जिसे हम मिक्स फ्लो रिएक्टर भी बोलते हैं इसे बैक मिक्स भी फ्लो रिएक्टर भी बोलते हैं इसे सी एस टी आर कंटिन्यूस स्टीरिंग टाइप रिएक्टर भी बोलते हैं इसके तीन नाम है चार नाम है तो इसने आपको आप आपने जिसमें कंफ्यूज नहीं होना और जो अगली जो टाइप्स है आइडियल पी एफ आर प्लग फ्लो रिएक्टर तो इसको हम स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे इसे हम तो अब सी एस टी आर क्या होती है सी एस टी आर जो हमारे पास कंटिन्यूस स्टिनिंग टाइप रिएक्टर है इसे आप देखिए ज़रा हमारे पास एक रिएक्टर है अब इसमें हमारी जो कंसनट्रेशन है अब ये देखें क्या हो रहा है यहाँ पे हमने स्टीन लगाया हुआ है मिक्सिंग के लिए हमने रिएक्टर ऐड किए हैं हमारे पास वी नोट वॉल्यूम है उसका और जो है अब देखें अब सी ए नोट जो हमारी हैं यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द रिएक्टर अब इसमें हमने एम पैरल लगाया अब आप देखें यहाँ पे कंसनट्रेशन जो अब यूनिफॉर्म मूव हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ रिएक्टर तो कंसनट्रेशन आउटलेट एंड इनलेट विल बी सेम अब कंसनट्रेशन यहाँ पे सेम है इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑपरेट एट स्टडी स्टेट हम स्टडी स्टेट पे इसे ऑपरेट करवाते हैं इसका बेसिकली पर्पस क्या है कंटिन्यूसिन रिएक्टर का टाइप रिएक्टर का इसमें हम जो कंटीन्यूस रिएक्टेंस ऐड करी जा रहे हैं और कंटिन्यूस हम उसको जो आउटपुट करवाई जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है यहाँ पे हमारी कंसनट्रेशन यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द रिएक्टर है अब मैंने आपको विजुअल इसको हम समझने के लिए मैंने फिगर बनाई है यहाँ पे अब यहाँ पे देखें हमारा कंटिन्यूस टाइप स्टीरिंग टाइप रिएक्टर है हमने यहाँ पे स्टिरिंग लगाए हुए हैं इम्पेलर एजिटेटर जो हमसे बोलते हैं कि जो हमारा जो है हमारे यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हमें मिले इसलिए हम इसमें इम्पेलर लगा देते हैं और नाम से ही वाजिया है कंटिन्यू स्टीरिंग टाइप रिएक्टर और इसमें हमने जो है हम कंटीन्यूस रिएक्टर ऐड करी जा रहे हैं फीड और आउटपुट करी जा रहे हैं इसमें मैं कूलिंग जैकेट लगाई इसका फिनोमिना बता दिया पहले मैंने आपको इसमें बैफल्स लगी हुई हैं तो कंटिन्यू स्टीरिंग रिटाइप रिएक्टर इज अ वेसल टू विच रिएक्टेंट्स आर एडिड एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव वाइल द कॉन्टेंट्स विद इन द वैसे आर विगर्सली स्टीरिंग यूजिंग इंटरनल एजुटेशन और इंटरनली और एक्सटर्नली रिसाइकलिंग दी कॉन्टेंट अब यहाँ पर हम इसको बैक मिक्सिंग भी बोलते हैं कि अब जो हमारा जो इम्पैलर है वो बार बार उसे मिक्स करी जा रहा है इसमें बैक मिक्सिंग टाइप रिएक्टर भी हम इसे बोलते हैं अब इसमें जो सी एस टी आर में आप देखें कि इनपुट और आउटपुट जो है उसमें कंटिन्यूस हो रहा है तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इसमें टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है रेसिडेंस टाइम क्या होता है सो बेसिकली रेसीडेंस टाइम इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम अ डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ रीजेंड स्पेंड इन साइड द टैंक मतलब रेसीडेंस टाइम वो टाइम है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी जो टाइम में टाइम अपना स्पेंड करती है रिएक्टर में तो आपको जो है वो आप कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा आपकी प्योरीफिकेशन आप कितना आप उसको सेलेक्टिविटी आप अपनी प्रोडक्ट की कैसी चाहते हैं तो उस पर आप रेसिडेंस टाइम उसको आप सेट कर सकते हैं सो रेसिडेंस टाइम का अगर फार्मूला बात करूँ तो वॉल्यूमेटिक फ्लो रेट ओवर वॉल्यूम ऑफ द टैंक ये इसका फार्मूला आप रेसिडेंस टाइम निकाल भी सकते हैं तो ऐट ये जो है हमारा कंटिन्यूस टाइप रिएक्टर हमारा स्टेडी स्टेट पे वर्क करता है एट स्टेडी स्टेट द फ्लो रेट इन मस्ट बी इक्वल द मैच फ्लो रेट आउट जितना हमारा इन हो रहा है उतना ही आउट होगा लेकिन हमारा कंटिन्यूस टाइप जो हमारा हमने पहले पढ़ा कि जो, जो हमारा बैच चैप्टर है हम उसे इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे मैथ फ्लोरेट इन मस्ट बी इक्वल टू द मैस फ्लोरेट आउट नहीं होता वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस इसमें मूविंग हो रही है तो उसमें हम बोलते हैं स्टडी स्टेट पर ये वर्क करता है अगली जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएंगी एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस स्टीरिंग टाइप रिएक्टर इसकी एप्लीकेशन जो है इसमें मैं बात करूं बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है काफ़ी दफ़ा इसमें इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में कि सी एस टी आर के एप्लीकेशन क्या हैं सी एस टी आर आर मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग मीन टू से यहाँ पे हम इसको प्राइमली यूज़ करते हैं होमोजीनियस लिक्विड फ्लेस फ्लो रिएक्टन में इस्तेमाल करते हैं वेयर जहाँ जहाँ हमें कॉन्स्टेंट एजिटेशन चाहिए होती है मीन टू से हमें लिक्विड फेस फ्लो रिएक्शन में हमें कंटिन्यूस जो है कॉन्सटेंट हमें एजिटेशन चाहिए होती हैं तो हम इसलिए वहाँ पर यूज़ करते हैं और दूसरा इसमें जो आ जाता है फॉरमेंटर्स जिसे हम बेसिकली सी एस टी आर जी होते हैं वो हम इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह इंडस्ट्रीज है एंटीबायोटिक इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है तो सी एस टी आर वहां पर काफी रोल है उसका तो इन फर्मेंटर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद अल्कोहल्स प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट अब यहाँ पे हमने लार्ज मालिक्यूल्स को डाउन करना है ब्रोकन डाउन करना है तो अब भी हम इसको यूज करते हैं सी एस टी आर का तो वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ था इसका ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे आप अच्छे तरीके से इसे आप अपनी कॉपियों पर भी अपने रजिस्टर्स पर भी नोट कर लीजिए अब इसमें आप देखें कि सी एस टी आर के एडवांटेजेस क्या हैं एक तो जो है गुड टेम्परेचर कंट्रोल इज़ इज़ीली मैंशन मेंटेन हम इसे मेंटेन कर सकते हैं अब टेम्परेचर कंट्रोल को थ्रू uh, इम्पेलर से और चीप टू कंस्ट्रक्ट इसे आसानी से हम इसे इतना कोई महंगा नहीं होता ये रिएक्टर्स हैज़ लार्ज हीट कैपेसिटी इसमें हीट कैपेसिटी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है और जिसको इंटीरियर ऑफ रिएक्टर इज़ ईज़िली एसेसिबल एडवांटेजेस थे अब डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिसएडवांटेजेस हैं कन्वर्जन ऑफ रिएक्टन्स टू प्रोडक्ट्स पर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर इज स्मॉल एज़ कंपेयर टू अदर फ्लो रिएक्टर्स मीन टू से यहाँ पे कंटीन्यूस जो हमारी इसमें हमारे पास जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स हम निकल रहे हैं कंटीन्यूस प्रोडक्शन हो रही है तो इसमें हमारी जो रिएक्टन्स जो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं पर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर इज वेरी स्मॉल होते हैं एज़ कंपेयर टू दी अदर फ्लोर रिएक्टर सो इसके डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवाटेज इसका तो इसी आप देख लीजिए ज़रा अब मैं आगे बात करूँ आइडियल पी एफ आर की प्लग फ्लोर रिएक्टर क्या होते हैं प्लग फ्लोर रिएक्टर रिएक्टर रिएक्टेंस कंसिस्ट ऑफ अ होलो पाइप और अ ट्यूब थ्रू आ विच रिएक्टेंस फ्लो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है हमने फीड एड की है अब ये एक पाइप की शेप का होता है ये कंटिन्यूस फीड ऐड करी जा रहे हैं प्रोडक्ट में इसमें चेंज होता जा रहा है तो इसमें अब देखें कंसनट्रेशन रिड्यूस कंटीन्यूसली इसमें रिड्यूस हो रही है मीन टू से यहाँ पर आप देखें कि आपका जो यहाँ पे हम देखें आइडियल हम बात कर रहे हैं तो इस आइडियल की दो कंडीशन होती हैं एक हमारी विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाए और दूसरी कंडीशन हमारी होती है हमारा जो प्रोफाइल जो होती है बिलोस्टी प्रोफाइल वो हमारी क्या होनी चाहिए फ्लैट होनी चाहिए अब यहाँ पे देखें कि हमारे फीड ऐड की है यहाँ पर कंसनट्रेशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती जा रही है आगे बताऊंगा मैं किस तरह चेंज होती है ये इसलिए हम इसे बोलते हैं आइडियल पी एफ आर प्लग फ्लो रिएक्टर इसमें जो है हम कंटिन्यूस हमारी प्रोडक्शन हो रही है और इसमें जो हमारा है इसमें हम एवरी ईच एवरी लेयर कंसन्ट्रेशन रिड्यूस एट कंटीन्यूसली और वेलोसिटी प्रोफाइल हमारा फ्लैट हो रहा है अब मैं इसकी एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँ तो इसकी मैं एग्जांपल दूंगा आपको जिस तरह हम हाईवे पर हैं हमारे दो गाड़ियाँ हैं ए और बी उसकी जो ए की स्पीड सिक्सटी है बी की स्पीड भी सिक्सटी है तो इसमें डिफरेंस क्या रहे डिस्टेंस क्या रहेगा सेम डिस्टेंस रहेगा ठीक है और इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल भी इसकी जो फ्लैट आएगी तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही यहाँ पे क्या है मिक्सिंग हमारी ज़ीरो है यहाँ पे अब देखें एक्चुअल मिक्सिंग एंड डिस्परियन इज़ ज़ीरो अब डिस्परियन क्या होती है यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मालिक्यूल जो है एक्सटर्नल फोर्सेज हैं इम्पैलर यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है इस पर भी इसकी ज़ीरो है अब देखें अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने आपकी एग्जांपल दी है स्टीयरिंग स्टेयस की एग्जांपल दी है कि सीढ़ियाँ आप चाह रहे हैं तो पेंशन एनर्जी इसमें क्या हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो इस तरह एक कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी आहिस्ता आहिस्ता अब हम शुरू में हमने रिएक्टन ऐड किया है आहिस्ता आहिस्ता उसने वो मिक्सिंग स्टार्ट की है और कंसनट्रेशन उसकी पॉइंट पर लो हो जाएगी हम ये भी सब बोलते हैं कि इसकी यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन नहीं होती एवरी पॉइंट पर इसकी यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन नहीं होती ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका इसका कंटिन्यूस जो हमारा ग्रेडियंट जो है वो नहीं रहता यहाँ पर हम इसे विजुलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये पी एफ़ आर है ठीक है एक ट्यूब शेप का होता है अब इसमें हम कंसनट्रेशन इन कर रहे हैं कंसनट्रेशन आउट हो रही है ठीक है विद रिस्पेक्ट टू हीट भी हम कह सकते हैं अब देखें कि इसकी जो इनिशियल लोकेशन ऑफ प्लग और लेटर लोकेशन ऑफ प्लग इसमें दे इसमें वाजिया की गई है इसमें कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है तो एप्लीकेशन ऑफ पी एफ आर की काफ़ी एप्लीकेशन हैं PFR flow reactors have a wide variety of application in either gas or a liquid phase system. Common industrial usage of tubular reactors are in gasoline production may use hoti hai, oil cracking, synthesis of ammonia from its element, and oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. तो एप्लीकेशन नोट कर लें काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं और इसमें एक जो बात याद करने वाली ये है कि इसमें ऑल कैल परफॉर्म्ड विद पी एफ़ आर एज्यूम सो नो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में नहीं हो रही और इसमें एज ये जो है हमारा जो पी एफ आर है हाई एफिशेंस है देन सी एस टी आर एट सेम टाइम तो ये दो चीज़ें आप इसे अच्छे तरीके से देख लें पी के बारे में इसकी आपको एप्लीकेशन भी बता दी और इसकी जो आपको इसके कन्सेपचुअल क्वेश्चन भी आपके मैंने क्लियर करवा दिए अब मैं बात करूंगा ट्यूबलेर फ्लो रिएक्टर की ट्यूबलेर फ्लो रिएक्टर ये भी एक ट्यूब शेप की हैं अब इसमें जो है हमारे पास जो इसमें हमारे पास डिफरेंस है प्लग फ्लो रिएक्टर और ट्यूब फ्लो रिएक्टर में इसमें हमारे पास इसकी जो है कंसनट्रेशन uh, वो यूनिफॉर्म है और कंटिन्यूस ग्रेडियंट है इसमें ये डिफरेंस इसमें काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल जो है ट्यूबलेट फ्लो रिएक्टर में क्या डिफरेंस है इसमें यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन होती है एट एवरी पॉइंट और प्लग फ्लो रिएक्टर में यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन नहीं होती है एट एवरी पॉइंट पे तो हमारा ट्यूब फ्लो रिएक्टर इज़ अ टाइप ऑफ ट्यूब और पाइप थ्रू विच रिएक्टेंस फ्लो एंड कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स सो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ स्ट्रीम ऑफ गैस दैट कैरीज रिएक्ट इसमें गैस की स्ट्रीम है कि जो रिएक्टेंस को लेगी इनपुट में दाहल करेगी और जो रिट रिएक्शन होगा और आउटलेट में जाएगी अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि द कैटलिस्ट आर इन ट्यूब्स यूनिफॉर्म प्रोसीडिंग इज इज श्योर अब इसमें हम कैटलिस्ट ऐड करवाते हैं इसमें पी इसमें जो हमारा ट्यूबलर फ्लो रिएक्टर में कि हमारी यूनिफॉर्म जो है एवरी पॉइंट में हमारी कंसनटेशन जो है यूनिफॉर्म हो सके द कैटलिस्ट आर इन ट्यूब्स यूनिफॉर्म प्रोसीडिंग इज ए श्योर यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट द चार्ज द सेम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट टू ईच ट्यूब एट अ डिफरेंट रेट तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको पॉइंट बना के हाईलाइट करके लिख दी हैं तो इसे आप वीडियो पोस्ट करके आप इसे देख सकते हैं तो ये वेरी हेल्पफुल चीज़ें हैं तो ट्यूबलेट फ्लो रिएक्टर के बारे में आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में हर चीज़ क्लियर होगी होगी अब हमारी लास्ट टाइप जो रह है वो सेमी बैच टाइप रिएक्टर है सो सेमी बैच टाइप जो रिएक्टर क्या होते हैं आप इस फिगर से देख सकते हैं कि सेमी जो बैच टाइप रिएक्टर हैं इसमें हमारा रिएक्टेंस जो है वो हम उसे एक दफा ही लोड कर दें यानी ए ए को हमने एक दफा ही लोड कर दिया और बी को हम जो हैं स्टेप बाय स्टेप या टाइम टू टाइम उसे ऐड कर रहे हैं तो इसमें क्या है सम ऑफ द आर लोडेड इनटू रिएक्टर एंड रेस्ट ऑफ द आर फेड ग्रेजुअली या हम इस क्वेश्चन हम कह सकते हैं आल्टरनेटली वन रिएक्ट इज लॉडिड इन टू रिएक्टर एंड अदर रिएक्ट इज फैड कंटिन्यूसली सो वंस रिएक्ट इज फुल इट मे बी ऑपरेटेड इन बैच टू कम्प्लीट रिएक्शन सेमी बैच रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज वेन वी एड वन रिएक्टन एंड दैन अदर रिएक्टन सो मिक्सिंग प्रॉपरली हो जाती है इसमें हम हमारी और जो हम आप देख रहे हैं कि हमने हम इसको ए को हमने ऐड करवा दिया एक दफ़ा ही बी को हम कंटिन्यूसली ऐड करवा रहे हैं तो इसलिए हम इस अब हम सेमी बैच टाइप रिएक्टर क्यों यूज़ करते हैं हम बैच टाइप रिएक्टर क्यों नहीं यूज़ कर लेते तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सेमी बैच टाइप अब रिएक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बैच क्यों नहीं यूज़ कर सकते तो इसकी जो वजह जो है इसकी जो रीज़न जो है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ सो so, हम इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि वाई वी यूज़ सेमी बैच टाइप रिएक्टर एंड कंडीशन सो ये आप इसे नोट कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमी बैच रिएक्टर्स आर फेवर्ड वेन देयर आर लार्ज हीट इफ़ेक्ट एंड हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज लिमिटेड अभी हमारे पास कोई रीजन होती है कि जहाँ पे हमारे पास हीट इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा एक्जो रिएक्शन है ठीक है तो हम क्या या हमारे पास एंडोथ रिएक्शन है तो हम इसलिए यूज़ कर लेते हैं इसको अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी स्लो डाउन सो एंडोथर्मिक रिएक्शन कंट्रोल बाय लिमिटेड रिएक्टेंट कंसनट्रेशन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अपनी रिएक्टेंट कंसनट्रेशन को लिमिट कर लें यानी हमने ए एक दफ़ा ऐड करवा दिए बी वन बाई वन हम ऐड करवा रहे हैं इस तरह जो है इसमें जो हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें हो सकता है तो अगर हम वन बाई वन ऐड करवा रहे हैं तो एक्जोथन रिएक्शन हमारा स्लो डाउन हो जाएगा तो मतलब इसलिए हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं या हमें लार्ज हीट हीट इफेक्ट अगर हो वहाँ पर या हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी लिमिटेड हो उसकी कम हो या नहीं और इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ या एडवांटेजेस की बात करूँ तो इन बायो रिएक्टर्स में इसका काफ़ी रोल है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायो रिएक्टर्स द रिएक्ट कंसनड्रेशन में बी लिमिटेड टू मिनिमाइज टॉक्सिटी अब हम वन बाय वन अगर बी ऐड करवा रहे हैं तो रिएक्शन भी अच्छा होगा और हमारा जो है रिएक्टर की या हमारी रिएक्शन रिएक्शन की टॉक्सिटी भी मिनिमाइज हो जाएगी तो अदर सिचुएशन दैट में कॉल फॉर सेमी बैच रिएक्शन इंक्लूड कंट्रोल ऑफ अनडिज़ायरेबल बायोप्रोडक्ट्स अगर हमें कोई चीज़ प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गए तो हमारे लिए ये एफिशिएंसी जो हमारी है हाई एफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही तो इसलिए हम क्या करेंगे इसलिए हम ये करेंगे कि हम वन बाय वन ऐड करवाएँ हम, हम सेमी बैच टाइप रिएक्टर यूज़ करें इससे हमारी बाइब्स कम बनेंगी और व्हेन वन ऑफ रिएक्टेंट इज़ अ गैस ऑफ लिमिटेड सोलिबिलिटी हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं अगर हमें गैस अब लिक्विड में सोलिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको वन बाय वन ऐड करवाते जाएंगे जिससे उसकी डिसोल्यूशन रेट जो है वो इसका क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे सेमी बैच टाइप रिएक्टर के हवाले से तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो आज का लेक्चर दोस्तों ख़त्म हुआ उम्मीद करता हूँ कि आपको हर पॉइंट समझ आ गया होगा अगर आपको कोई क्यूड़ी हो कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो हैं उसे पूछ भी सकते हैं और यहाँ भी अपना मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ भी जो है मुझसे कोई क्वेश्चन अगर क्यूरी करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और मेरा जो ये है ई मेल एड्रेस भी है तो आप यहाँ भी कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं मुझे तो नेक्स्ट हमारी वीडियो जो आने वाली है वो होगी हमारी मॉल बैलेंस पे और डिज़ाइनिंग ऑफ रिएक्टर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इसको डी हम इसको कोई थर्टी लेक्चर हो जाएंगे हम एक एक चीज़ इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहे इन शो वीडियोज़ जो, जो हैं अब रेगुलरली डालूंगा कि आपको जो है इसको समझना इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोज़ देखने का असल वरहत लाला वर्का